डेली प्राइम में स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम। देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक आइटम है जो कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक मॉनिटर है या फिर एलईडी टीवी है या फिर कीबोर्ड है, माउस है, एलईडी बल्ब है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, लाइक एलईडी टीवी जैसा कि मैंने बताया आपको, सीपीयू है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चार्जर इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के लिए आपने एक ग्रुप बना दिया। कहां से बनाया ये ग्रुप, यहां पर जैसे ही आप अल्टर पे आएंगे, ये देखिए ये यहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जो स्टॉक ग्रुप बनाया होगा वहां कुछ अगर गलती हो गई हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है तो कहां जाएंगे, आप सीधा क्रिएट पे चले जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहां पे इन्वेंटरी मास्टर में आपको स्टॉक ग्रुप दिखाई पड़ेगा। यहां से शो मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं। शो मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको और भी चीजें दिखाई पड़ेंगी, लाइक यहां स्टेटरी डिटेल्स आ रहा है, ठीक है, और यहां पे नीचे और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर और भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, लाइक इसमें ये वाउचर टाइप और क्रेडिट लिमिट्स। तो वाउचर टाइप के बारे में ईआरपी 9 में मैंने बताया है, प्राइम में अभी नहीं बताया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं स्टॉक ग्रुप की। तो हमने क्या बनाया है, यहां पर देखिए सर ने क्या स्टॉक ग्रुप, बाहर आते हैं पहले, यहां पे हम अल्टर करेंगे इसको, जो भी आपने स्टॉक ग्रुप बनाया है उसे अल्टर कर दीजिए। यहां से ए प्रेस करना है स्टॉक ग्रुप, ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक ग्रुप है, और यहां से स्टॉक ग्रुप को अल्टर कर लेते हैं। तो इन्होंने जैसे मान लीजिए ये लिखते समय गलती हो गई, जैसे मान लीजिए ये गलती जानबूझकर की गई है कि ये आपको समझ में आया कि ये किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे पेन किलर पी ए आई एन होता है और यहाँ पियान हो गया पियान किलर, तो यहां पर हम इसको सही करेंगे। तो अब स्टॉक ग्रुप बना दिया हमने पेन किलर का, तो इसमें पेन किलर की दवाइयां आएंगी। स्टॉक ग्रुप का मतलब ये हो गया कि पेन किलर लिख दिया हमने तो इसमें पेन किलर वाली सारी मेडिसिन आ जाएंगी, तो ये हो गया स्टॉक ग्रुप। अब इसको सही करना है तो यहां से अल्टर करिए, अब यहां पे पेन किलर होना चाहिए तो यहां पे कर दीजिए पेन किलर के आई डबल एल ई आर, तो ये पेन किलर हो गया। अब एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं आप, जिस तरह से आपने एक्सेप्ट कराया था इसके पहले हो जाएगा एक्सेप्ट। तो पेन किलर भी आपने करा लिया है एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पेन किलर जो है हमने सही कर लिया है। अब बात कर लेते हैं ये डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहां पर आते हैं, इसको अल्टरेशन मोड पे लेते हैं और यहां से अल्ट डी शॉर्टकट की जो होती है वो प्रेस करते हैं, तो यहां कुछ भी हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि आपने एंट्री पास कर दी है। एंट्री जब पास कर देंगे तो वो यूज में आ जाएगा, वो जो भी स्टॉक ग्रुप है, या आप देखिए यहां पर आपने स्टॉक आइटम भी बना रखा है, तो ये देखिए ये स्टॉक आइटम है आपका, यहां पर आते हैं यहां पे आए तो ये क्रोसिन और पैरासिटामोल स्टॉक आइटम भी आपने बना रखा है अंडर पेन किलर के, ठीक है। तो ये स्टॉक आइटम जो बना दिया आपने तो अब इसका यूज भी कर लिया। अब यूज कैसे किया वो दिखा देता हूं। यहां पर ये स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप, अब यहां पर आते हैं डोबा, तो यहां पे देखिए ये कैपिटल अकाउंट, यहां पे कैपिटल रिसीव कराया आपने और यहां पे सीधा सीधा सेल्स में एंट्री पास की गई है, परचेज की कोई एंट्री नहीं पास की गई है, यहां पे सीधा सीधा सेल्स में एंट्री पास कर ली गई है, यानी कि पहले परचेज होना चाहिए। आपके पास स्टॉक होगा तब ना बेचेंगे, तो आपके पास स्टॉक ही नहीं है और आप बेचने की कोशिश करेंगे तो वो तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। दूसरी एरर ये हो गई कि ये क्रोसिन और पैरासिटामोल ये दोनों ही पेन किलर के ग्रुप में थे, इन दोनों का ही आपने यूज कर लिया है। अब जब यूज हो गया तो आप सीधा कंपनी डिलीट कीजिए या एंट्री डिलीट कीजिए, तब ये डिलीट होगा, ठीक है। जैसे आपने इसका यूज सेल्स वाउचर में किया है और यही वो एंट्री है जो आपने पास किया, सीधा सेल्स में कर दिया है जबकि परचेज में पहले एंट्री पास करनी चाहिए थी, तो यहां ऑल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब जैसे ही एंट्री डिलीट होगी तो आपकी वो वाली एंट्री भी बहुत ही आसानी के साथ डिलीट हो जाएगी। आप यहां पे पहले ये डिलीट हो जाए, जैसे ये डिलीट हो गई, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाता हूं, अब हम चलते हैं वो पेन किलर वाला स्टॉक ग्रुप डिलीट करके देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने एंट्री डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहां इसको अल्टरेशन मोड पे लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं सीधा कहां स्टॉक ग्रुप पर, ठीक है। तो यहां पर आए, अब देखिए अल्ट के साथ डी प्रेस करता हूं, अभी भी ये डिलीट नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि इसमें कुछ स्टॉक आइटम बने हैं, पहले उन स्टॉक आइटम को आप डिलीट कीजिए। तो यहां पर आ जाइए स्टॉक आइटम पर और ये क्रोसिन है पहला, तो इसको पहले डिलीट करते हैं। अल्ट के साथ डी प्रेस करता हूं, ये डिलीट हो गया, इसके पहले ये डिलीट नहीं हो रहा था, अब ये डिलीट हो जाएगा, हो गया। अब फिर पैरासिटामोल को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका भी ग्रुप क्या है, यहां पे देखिए ग्रुप क्या है पेन किलर, ठीक है। तो इसको भी अल्ट के साथ डी प्रेस करके और एंटर प्रेस करके इसको पहले डिलीट कर दीजिए। जब डिलीट कर देंगे आप तो इसके बाद से आपका काम शुरू होता है। अब चलिए स्टॉक ग्रुप को डिलीट करते हैं, तो ये जो स्टॉक ग्रुप बनाया यहां पर आ जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, अल्टरेशन मोड पे ले लेते हैं इसको और यहां से अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये अब डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
में ना, देखिए ये डिलीट हो गया। जा